ये सब मंदिर के बाबा जी के टाइम के ये पेड़ है। यहाँ पे एक कुआ होता था बहुत गहरा 50-60 फीट का, उसको बाबा केदारनाथ ने क्या करवाया, इस पहाड़ को कटिंग करवा के और गांव के लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया, कोई पैसा नहीं लेता था। गर्भपति गाँव का एक एक बंदा आता था यहाँ पे, माताएं बहनें सभी औरतें आती थी यहाँ पे, और जब यहाँ शादियाँ होती हैं पहली बार बंदा बच्चा जब लेकर आता है दुल्हन को और दूल्हे को वहाँ पे माथा टिकवाया जाता है, उनकी मन्नतें पूरी होती है। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों का मजीत भारद्वाज की ओर राम राम। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है 14 किलोमीटर दूर गांव गुलावड़ा में। तो वहाँ पे मैच श्री बाबा खेतनाथ जी महाराज का एक बहुत बड़ा आश्रम है जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। तो उसकी इतिहास उसकी स्टोरी जानने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ की जो भी हिस्ट्री है पूरी आप तक बताएंगे। हमारे साथ भाई महेंद्र सिंह यादव जी भाई अपने साथ है, राम राम। नमस्कार जी, राम राम जी भाई साहब पत्रकार को। ये मंदिर बहुत पुराना है, सदियों पुराना मंदिर है। इस मंदिर की यहाँ से महेंद्रगढ़ से दूरी इस गांव की 14 किलोमीटर पड़ती है जी, जो नारनोड में टच होता सीधा ये रोड, उसके टच में ही ये गांव पड़ता है। पहाड़ है उसके ऊपर ये आश्रम है जो श्री बाबा केदारनाथ का आश्रम बोला जाता है। इस कैलाश आश्रम गुलावला के नाम से इसका रिकॉर्ड में दर्ज है, जो नाथ संप्रदाय का जो रिकॉर्ड होता है उसके अनुसार इसमें बाबा केदारनाथ का बहुत ही बड़ा योगदान है। वो अपने टाइम में ये देश आज़ाद हुआ उस टाइम से पहले उनका जन्म हुआ था, उतना तो मेरे याद नहीं, लगभग उनका 1915 या 20 के अनुसार बताते हैं बुज़ुर्ग लोग। तो उसके हिसाब से हमने भी खुद देखा है उन बाबा केदारनाथ को, हमने देखा है उनका टाइम ब्रह्मलीन हुए जब 1990 का सन था वो 28 दिसंबर। लगभग हम 5-6 साल के थे, हमें याद है उस टाइम के बाबा केदारनाथ एक लंगोटी रखते थे, एक कमंडल रखते थे अपने साथ, और कुछ वस्त्र नहीं पहनते थे, नंगे पैर रहते थे। काफ़ी तपस्या की है उन्होंने और एक यादव समाज में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम राम सिंह था और माता का नाम थोड़ा मेरे ध्यान में नहीं है, बाकी ऐसा उनका पर बनाया गया है। कर्मपाल शर्मा जो हमारे हरियाणा के गायककार हैं, मंजू शर्मा, वो पूरा इतिहास उन्होंने अपने गायकी के जरिए कैसेट में भी डाला गया है, कभी आप सुनते हो तो यूट्यूब पर डाल के सुन सकते हो। तो भाई आप ना पूरी की पूरी हिस्ट्री ऊपर जाकर दिखावागे कि मंदिर की जो भी आस्था थी यहाँ पे, जो भी प्राचीन मानता यहाँ पे हुई है, जो भी चमत्कार हुए हैं, आप ऊपर महंत जी अपने बैठे हुए हैं उनसे आपकी बातचीत कराऊंगे। तो आइए मेरे साथ ऊपर आइए। तो भाई ऊपर यहाँ का आप व्यू देख सकते हो, यहाँ पर लिखा भाई श्री कैलाश आश्रम गुलावला। तो आगे जो भी आपने यहाँ पे प्राचीन मूर्तियाँ हैं, मंदिर है, जो भी इतिहास यहाँ का है आपने सुनावांगा आगे। आइए भाई। हाँ, तो भाई ये यहाँ पे एक और प्राचीन मूर्ति यहाँ पर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सही है। तो भाई कौन से महाराज जी की मूर्ति है? ये शुक्रनाथ जी महाराज जी हैं, ये केदारनाथ जी के चेले थे जी। उनके केदारनाथ जी के यहाँ से समाने के बाद शुक्रनाथ जी ने इस गद्दी को संभाला और अच्छे तरीके से इस गद्दी को चलाया, पूरे अनुशासन के अंदर चलाया, जो ऊपर भी हैं जी। उसके बाद फिर इनका बात, इनके चेले हैं सेवानाथ जी, उन्होंने भी अच्छे तरीके से चलाया इसको, मंदिर को अच्छी देख रेख की, बच्चों को धार्मिक शिक्षाएं देते हैं, नैतिक शिक्षा के बारे में बताते हैं और अपने हिंदू धर्म की जो पत्ती उसके बारे में भी नॉलेज देते हैं और योग वगैरह भी करवाते हैं यहाँ पे। तो आइए भाई आपको ऊपर का भी पूरा पूरा नज़ारा दिखावांगे कि ऊपर तक पूरा पूरा क्या दिखा है। यहाँ तो आप देख सको हो, एक बार यहाँ का नज़ारा देख लो आप, एक मूर्ति यहाँ पे भी है गुरु जी की। ये जो केदारनाथ के शिष्य थे उनके शिष्य हैं ये, हाँ जी ठीक है जी। नंबर 3 पे आते हैं ये चेले जो थे शुक्रनाथ जी महाराज के चेले थे। अब इनके चेले फिलहाल इस गद्दी पे विराजमान है, जिनका नाम संतोनाथ जी महाराज है जो फिलहाल विराजमान है इस गद्दी पे। तो भाई एक बार पूरा का पूरा व्यू देख लो आप गांव का, जो पूरा को ऊपर तक व्यू देखने लायक है, आप व्यू देख लो एक मिनट, तो पूरा का पूरा व्यू देख सको, पूरा राजस्थान का टच है इस गांव में। ये लास्ट गांव बताया जा रहा है हरियाणा का, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गांव ये पड़ता है विधानसभा के अंदर, फिर चलता है जी नारनौल फिर नांगल चौधरी, ये लास्ट में पड़ जाता है। और साइड में पड़ता है चूड़ीना गांव, जो झुंझुनू जिले के अंदर विधानसभा का लास्ट क्षेत्र गांव पड़ता है, ऐसे ही शिवपुरा पड़ता है, ये बॉर्डर पे आ जाता है गांव जी। इस साइड में बाबा केदारनाथ की जो जन्मभूमि है सीमा, उसकी दूरी यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ती है जी, ठीक है जी। कुक्सी और ये हमारे यहाँ से पूर्व मंत्री हुए जो परिवहन मंत्री लक्ष्मी नारायण, वो सदा बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद से चुनाव जीतते हैं, उनके टक्कर में विराजमान खड़े हुए थे। ये तो इतिहास है इस मंदिर का और बाबा केदारनाथ का, जो दोनों टक्कर चुनाव लड़े थे और बाबा केदारनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया था लक्ष्मी नारायण जी को,
और वो चुनाव जीते थे, परिवहन मंत्री बने थे देवलाल सरकार के अंदर जी, यही इनका इतिहास है। ऐसे संत थे वो, उन्होंने एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनवाया नारनौल के अंदर जी। जी अपना ऊपर का व्यू दिखाऊंगे, ऊपर कौन से महाराज की मूर्तियां हैं, जो भी ऊपर का दृश्य है अपना ऊपर दिखाऊंगे, वो ऊपर आइए आप। तो भाई आप ये देख सकते हो, ये सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए यहाँ पे बनाई गई है, और ये जो मंदिर, ये पहाड़ के ऊपर मंदिर बनाया गया बाबा खेतानाथ जी महाराज का। तो ऊपर जो भी मूर्तियां वहां पे विराजमान है, जो भी यहाँ पे साधु संत हो या प्राचीन टाइम में, तो उनकी पूरा का पूरा इतिहास आपने दिखावांगे सुनावांगे कि यहाँ पे क्या क्या महान चमत्कार हुए हैं। तो आइए मेरे साथ एक बार ऊपर आइए आप। 400 पैड़ी है जी, नीचे से आप ले जाते हो ना पक्का। हाँ जी, इसकी 450 पैड़ी है जी, 450 के हिसाब से आप वाइट का अनुमान तो आप लगा सकते हो। हाँ जी, तो भाई अब ये इसका मैन द्वारा यहाँ पे बाबा पहाड़ी वाले में, हाँ हनुमान जी बाबा जी जी, बालाजी महाराज की भी ऐसी महानता बताई गई, वो भी आपको बतावांगे कि कैसे यहाँ पे मूर्ति मिली थी और उसकी के चमत्कार यहाँ पे होया कर दे। तो हमारे साथ यहाँ पे अब विराजमान है मैन श्री बाबा संतोष नाथ जी महाराज। आदेश गुरु जी। आदेश। तो गुरु जी आप बताइए यहाँ की महानता, यहाँ पे के क्या चमत्कार हुए है? ये पुराना प्राचीन मंदिर है जी। ये हनुमान जी का मंदिर है, ये बाबा खेतानाथ जी ने स्थापना की थी। ये पहले ये मूर्तियाँ पहले बोलती थी जी। फिर ये सब काम संपूर्ण होता है, सब पूर्ण होता सारा सभी, और गांव के जन्नत बहुत आती है, और बहुत से मंगलवार को इनकी पूजा होती है जी। दोख लगती है, बहुत अच्छा काम होता है। बाबा खेतानाथ जी ने बहुत काम करवाया है, बहुत अच्छा काम करवाया है। इनके बहुत से मंदिर है, कितने साल पुराना मंदिर है जी? ये तो बहुत प्राचीन मंदिर है जी, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे जो चमत्कार क्या क्या हुआ इस मंदिर में? चमत्कार ये मूर्ति है, ये जो ये पहले बोलती थी, ये अपने सभी को अचेत कर देती थी भाई, कोई जैसे कि चोरी डकैती वाले आते उसको पहले ही बोल देते थे भाई चेत में हो जाओ, फिर सचेत में हो जाओ, वो सारा काम बाबा कृपा से ये हो रहा है और होता है और हो रहा है और होता रहेगा। इसमें पीछे निर्माणधान भी चल रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ी चढ़ाने खातर भी निर्माण करना लग रहे हैं वहाँ पर पहाड़ को तोड़ के। ये करीब 10 महीने से रोड का काम चालू हो रहा है, और यहाँ गाड़ी यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर पार्किंग बनेगा, सभी काम हो जाएगा जी। तो भाई अग्गा अपना जो भी यहाँ की मानता है, यहाँ पे एक मूर्ति दिखा देंगे कि यहाँ पे बाबा शुक्रनाथ जी बाबा, हाँ तब एक व्यू देख लो सारा। ये भी बाबा खेतानाथ जी महाराज ने बनवाया था ये, हाँ ये बाबा, ये हमारे गुरु जी मैं सेवानाथ जी को बनवाया था। अच्छा जी, तो भाई आप बाबा जी मूर्ति कौन सी है जो बोलने करती? ये वह सामने वाली है जी। तो आइए भाई आपको वो भी मूर्ति दिखाऊंगे जो पहले बोलती थी। आओ, गुरु जी कौन सी मूर्ति है वो? ये सामने वाली मूर्ति है जी, जो सिंदूर चढ़ा रखी है, ये वाली है जी। तो भाई आप एक बार मूर्ति देख सको बालाजी महाराज की। ऐसा बताया जाता है कि प्राचीन टाइम में मूर्ति बोले करती, क्या बोले करती गुरु जी? ये सभी जो चोर लुटेरे आते वो तभी बताते थे भाई, ये सचेत करते गाँव वालों को जी। तो यहाँ पे और भी जो भी मान चीज है, यहाँ पे महानता है प्राचीन, यहाँ पे जो भी चमत्कार हो अपना दिखाओगे। एक यहाँ पे मूर्ति है बाबा जी की, तो ये तो गुरु जी से आप जो भी और भी बात करवाओगे और बताइए गुरु जी यहाँ के। और जो भी अपने बाबा की कृपा से ये जो बच्चे हैं गांव के, इनकी कृपा से नौकरी लगे हैं जी, सब बाबा हनुमान जी की कृपा से सारा काम हो रहा है। तो आइए भाई अपना और भी नीचे दिखाओगे कौन सी यहाँ पे मूर्ति बनी हुई, कौन से मंदिर बने हुए यहाँ पे। यहाँ पे देख सको आप, यहाँ पे गद्दी है महाराज जी की, एक यहाँ पे आप देख सकते हो बाबा शुक्रनाथ जी महाराज की यहाँ पे गद्दी है। चलो आइए आपको, अच्छा बंद है अंदर तक जी। तो भाई नीचे एक गुफा बनाई गई लेकिन उसे किसी कारणवश यहाँ पे बंद कर रखे, आप नीचे अभी नहीं दिखा सकते। और भी जो भी यहाँ पे मंदिर मूर्ति बना रखी है वो दिखाऊंगा अपने। और भी दिखाओगे मूर्ति यहाँ पे, ये बालाजी महाराज की भी यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है जी।
शिव परिवार की मूर्ति है यहाँ। हाँ। जी का बालाजी मूर्ति है सही। और साल में दो बार भंडारे का आयोजन होता है यहाँ पे। हाँ जी, जेठ के महीने में होता है ना वो भंडारा। हाँ जी, जो बाबा केतना शुक्रनाथ वाले करते हैं। और ये बाबा जी कहाँ पे धुना है? बाबा केतना जी महाराज का। ये बाबा गोरखनाथ जी का धुना है जी। गोरखनाथ जी जी, बाबा केतनाथ जी ने ये निर्माण किया था जी। तो अगर भी आपने एक मूर्ति आप यहाँ पे देख सकते हो भाइयों ने बताया था कि शिव परिवार भी यहाँ पे बनाए गए हैं। शिव परिवार की पूरी मूर्ति यहाँ पे बाबा केतनाथ जी के द्वारा यहाँ पे इसकी स्थापना करवाई गई थी। तो ये बाबा केतनाथ जी महाराज की आपने प्रतिमा दिखावांगे, आ जाओ। हाँ, ये बाबा केतनाथ जी महाराज की जब बाबन जी ने यहाँ पे समाधि ली थी यहाँ पे निमराणा। हाँ जी, तो जब बाबा जी ने निमराणा राजस्थान में अपनी समाधि ली थी तो वही बाबा जी की आप समाधि देख सकते हो यहाँ पे साथ में कृष्ण भगवान जी से। इस कमरे का निर्माण बाबा केतनाथ ने करवाया था जी। वहाँ भी बाबा जी की मूर्ति है। और ये यहाँ पे माता संतोषिया। हाँ। संतोषी माता यहाँ पे आज आप जैसे आपको पता है कि नवरात्र शुरू हो चुके हैं तो माता जी का श्रृंगार किया गया है, जो चल चुकी है माता जी की। तो एक मंदिर यहाँ पे बनाया गया बाबा केतनाथ जी महाराज का, एक प्रतिमा यहाँ पे है। ये प्रतिमा कितनी पुरानी है जी? उसी ये उसके कम से कम 15-20 साल का अंतर है इस प्रतिमा का, उस पंत्र का। वो जवानी के टाइम की है थोड़ी। हाँ, थोड़ा हमने जवान थे, इन मीडियम थे, 45 साल की उम्र की थी ये, थोड़ा लास्ट के टाइम की। तो बाबा जी केतनाथ जी महाराज जब बाबा जी 40-45 साल के उम्र थी तो उस टाइम पे मूर्ति यहाँ पे बनाई गई थी बाबा जी की, आप देख सको हो। और पीछे का वो भी व्यू अपना दिखावांगे जहाँ पर आप गाड़ी ऊपर आ सका है, उस रोड को पहाड़ को तोड़ का काम चल रहा है, आप वहाँ भी दिखाऊंगा आपको। आ जाओ आज भाई, वहाँ पे आ जाओ जी। ये तुलसी का वो है, ये तुलसी लगी हुई है। हाँ, ये नीम सता से है, पुराने विराजमान है ये मूर्ति के साथ के टाइम साथ के हुए डाली तक नहीं काटी। हाँ जी, इतने पुराने नीम है। आज भाई अपना और भी बोली है, इसको वेद्य बोलते हैं, हवन यज्ञ की वेद्य है ये जी। पूरे गांव का 2-3 बार हवन होता है इसमें साल में, भंडारे का आयोजन होता है, 2 बार बालाजी जयंती का आयोजन करवाया जाता है, पूरे गांव की तरफ से होता है, पूरे इलाके में प्रसिद्ध है ये मंदिर। ऐसे नहीं है, और ये नहीं कोई इसका मतलब झूठा प्रचार है कोई, इसका रिकॉर्ड है नाथ संप्रदाय के अंदर। पुष्कर जो इनका है मठों का, नथों का, उसके अंदर इसका पूरा कुंडली है इस मंदिर की पूरी। ऐसे नहीं है, ये सब मंदिर के बाबा जी के टाइम के। ये पेड़ है, यहाँ पे एक कुआ होता था बहुत गहरा 50-60 फीट का। हाँ। उसको बाबा केतनाथ ने क्या करवाया, इस पहाड़ को कटिंग करवा के, और गांव के लोगों ने फ्री ऑफ पोस्ट काम किया, कोई पैसा नहीं लेता था। घरपति गांव का एक एक बंदा आता था यहाँ पे, माताएं बहनें सभी औरतें आती थी यहाँ पे। और जब यहाँ शादियाँ होती हैं पहली बार बंदा बच्चा जब लेके आता है दुल्हन को और दूल्हे को, वहाँ पे माथा टिकवाया जाता है और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। ऐसे ये पाखंड वाला मंदिर नहीं है, कभी लोग आजकल प्रचार कर देते हैं झूठा है धन संपन्नता के लिए। इस मंदिर में सिर्फ कुछ नहीं, अपनी मेहनत से गाँव वालों ने और बाबा केतनाथ की कृपा से तैयार किया है। आज तक इस मंदिर में किसी से भेंट मांगने के लिए नहीं गए, जो देख के जाते हैं दिल्ली गुड़गांव फरीदाबाद तक के संत यहाँ आते हैं जी। तो कुछ जगह दिखाई यहाँ पे जो निर्माण चल रहा है वहाँ पे, फिलहाल निर्माण ये चल रहा है जी, रोड बनाया जा रहा है। हाँ जी, और ये यहाँ गाड़ी की पार्किंग के लिए स्पेशल कोई संत यहाँ रहे, आजकल वर्द हो गए, सामान चढ़ाया नहीं जाता, मशीनी युग है, तो इसलिए इसका फायदा उठाए क्यों नहीं जाए, इसलिए किया जा रहा है। ये इनकी रसोई है बाबा केतनाथ के टाइम की जी, उन्होंने ये रसोई तैयार करी थी आपका, जो इसको भंडार घर बोला जाता है नॉर्थ, अपनी परिभाषा में इसको भंडार बोलते हैं। हाँ जी, तो भाई आप ये जो रसोई देख रहे हैं जिसको भंडार बोला जाता है, ये बाबा केतनाथ जी के टाइम में बनाई गई रसोई है, उसी के अनुसार तैयार की गई थी बाबा केतनाथ ने जी। यहाँ लेडीज का प्रवेश नहीं होता इस रसोई के अंदर, नाथों की जो रसोई होती है उसके अंदर लेडीज का प्रवेश नहीं होता जी। तो पूरी की पूरी रसोई का व्यू देखने लग रही है, ये उस टाइम के जब बाबा केतनाथ जी महाराज हुआ करते थे, उसने अपने टाइम में रसोई का निर्माण करवाया था, जबकि नाथों की परिभाषा में इसे भंडार बोला जाता है, लेकिन इसमें स्त्री का या कोई सी औरत का प्रवेश नहीं होता, इसमें सिर्फ पुरुष ही प्रवेश कर सकता है, वही खाना बना सकता है, कोई स्त्री इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। और आपने वो भी व्यू दिखावांगे जब यहाँ पे गाड़ी पार्किंग के लिए यहाँ पे निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, तो ये अपना वो व्यू दिखावांगे। तो भाई बापा ने ऊपर तो व्यू दिखा दिया भाई, मंदिर के बिल्कुल आप ऊपर आ चुके हैं, आपने पूरा चारा तत्व व्यू देख सका इस टाइम में, इस साइड
राजस्थान का पूरा टच अपना देखने मिल रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा लंबे ऊपर पहाड़ पे इस मंदिर को बनाया गया है। हाँ हरियाणा साइड से, हाँ ये इस साइड में हरियाणा का जो नारनौल है उससे बाद यहाँ पे राजस्थान शुरू हो जाता है और उस साइड आप देखने लग रहे हो ये महेंद्रगढ़ साइड है। और इस तो भाई अगर पूरा व्यू आप देखने लग रहे हो यहाँ का और यहाँ सही बाबा खेतनाथ जी का जो गाँव था उसके बारे में पूछेंगे, उसके बारे में बताओ भाई थोड़ा। बाबा केतनाथ का गांव सीमा है जी, यहाँ से उसकी 4-5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। आप देख रहे हैं गांव से, कैमरा में भी दिख रहा होगा। इस गांव से देख लो, आज 5 किलोमीटर की दूरी है इस गांव से। बाबा केतनाथ की जो जन्मभूमि है वो है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। यहाँ से कैमरा में दिख भी रहा होगा भाई, जूम करके अपना दिखाने लग रहा है। बाबा केतनाथ जी महाराज का गाँव भी दिख रहा है यहाँ से। तो अपना जो भी इतिहास है, जो भी सब कुछ आपने पता लग गया वीडियो में, बाकी और भी जो इन्फॉर्मेशन आपने बतावा यही हमारी। देखो जी बाबा केतनाथ के जन्मभूमि आपको दिखाई गई है, वो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। यही इस गांव से आप दो रास्ते से जा सकते हैं, एक लेरली हिर कोक्सी बस स्टैंड पड़ता है जो नांगड़ी सिरोही से निकलते ही पड़ता है, जो नारनौल की तरफ जाते हैं रोड। नारनौल से महेंद्रगढ़ की दूरी पड़ती है जी 25-28 किलोमीटर की दूरी। तो इस साइड से, उस साइड से नारनौल से जाते हैं कनीणा की तरफ, कनीणा की तरफ जाते हैं तो बीच के अंदर बाबा केतनाथ का गाँव सीमा पड़ता है जी। तो आप सब पीछा को वो भी दिखाओगे जहाँ पर निर्माण चल रहा है, एक बार आइयो ऊपर तो अपना सारा का सारा पूरा का व्यू दिख जाता कि किस प्रकार का निर्माण चल रहा है, ताकि ये हाँ जी उसी के दिन बाबा केतनाथ। तो भाई ये आप प्रतिमा देख सको ऊपर की, ये उसी टाइम का बनाया गया जब बाबा केतनाथ जी महाराज थे। और हम पहाड़ के ऊपर पूरी ऊपर आ चुके, अपने यहाँ था पूरा का पूरा दृश्य। आप उस साइड देख सको, उस साइड राजस्थान शुरू हो जाए ना, राजस्थान पड़ जाता है। झुंझुनू जिले का लास्ट गांव पड़ता है चुड़ीणा, जिसको बोलते हैं चुड़ीणा गांव है राजस्थान का लास्ट गांव, झुंझुनू में पड़ता है जी, भवाना तहसील के अंदर आता है, उसके साथ भी टच गांव है। अजय भाई नीचे यहाँ तो पूरा वो देख लेंगे, आ जाओ भाई। तो यहाँ तो आप पूरा व्यू देख सको, राजस्थान अपने यहाँ पे दिखना शुरू हो जाए कि राजस्थान की सीमा यहाँ पे शुरू हो जाए, वही जगह ना भाई वहाँ पे जाते राजस्थान शुरू हो रहा है। हाँ जी राजस्थान, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं जो टावर, हाँ लाइट वाले बिजली वाले खंभे, हाँ। राजस्थान को टच में है, जो बीच में रास्ता देख रहे हैं कच्चा रास्ता है, हाँ। जो टच होता है यहाँ से राजस्थान की ज्यादा दूरी नहीं, सिर्फ 5-10 किलोमीटर की दूरी है, फिर बॉर्डर टच होता जाता है। और ये आप ऊपर देख सकते हो भाई सारा यहाँ पे जो निर्माण चल रहा है, अभी निर्माण गाड़ी के लिए किया जा रहा है, बढ़ रहा है, अभी काम चल रहा है इसका, पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है, अधूरा है, थोड़ा काम चल रहा है 8-9 महीने से इसका, अभी तैयार हो जाए। काम किसकी देखरेख में चल रहा है ये सब? संतो नाथ जी महाराज गांव गुलावला जो मैन तया फिलहाल विराजमान है, इनकी देखरेख में चल रहे हैं। फिर इनके गुरु भाई गुरु चाचा हैं शीलनाथ जी डेरली आश्रम में, जो बाबा केतनाथ के चेले हैं, वो भी शुक्रनाथ नहीं शीलनाथ जी, शीलनाथ जी के शुक्रनाथ जी के चेले हैं, शीलनाथ जी जो शुक्रनाथ महाराज थे बाबा केतनाथ के चेले, उनके चेले हैं शीलनाथ जी, ठीक है। इन दोनों के अध्यक्षता में ये कार्यक्रम चल रहा है। वो महंत पुजारी जो यहाँ के हैं संतोनाथ जी, अहम रोल इनका है, सहयोग वो भी कर रहे हैं अपनी तरफ से जी। तो भाइयों आपने पूरी जानकारी आपने इस वीडियो के माध्यम से देखी बाबा केतनाथ जी महाराज की, कि कितना प्राचीन मंदिर है, और इसकी आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सको। अगर आपने कोई डाउट है, कोई शक है कि एक अफवाह, लेकिन आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर बाबा केतनाथ जी महाराज का। हाँ ये देखो, ये उसी टाइम का मंदिर है जिस टाइम बाबा केतनाथ जी वो करते थे, उसके टाइम में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो कावड़ होती है, कावड़ चढ़ाई जाती है यहाँ पे जी, शिवरात्रि के दिन पर यहाँ पर कावड़ चढ़ाई जाती है। और आगे भी ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आए, ऐसी ऐसी अपडेट लेकर आप तक रूबरू होते रहोगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद जय हरियाणा।